सर्वांगी सुंदर विषेंदुराची कंठी धरते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगल। सफेद कुर्ता, ऊपर जैकेट, गले में गमछा, सिर पर सफेद टोपी, हाथों में आरती की थाली और लबों पर गणेश जी की आरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महाराष्ट्रीयन अंदाज तब दिखाई दिया जब वे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर आयोजित गणेश चतुर्थी के पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इसके बाद वे आवास में उस जगह पर गए जहां पर गणपति जी की स्थापना की गई थी। यहां सीजीआई चंद्रचूड़, उनकी पत्नी कल्पना दास चंद्रचूड़, एक पुरोहित और पीएम मोदी ने गणेश जी की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी हाथ में पूजा की थाल पकड़े हुए गणेश जी की आरती उतार रहे थे तो बाकी सभी लोग मराठी भाषा में गणेश जी की आरती गा रहे थे। माहौल एकदम भक्तिमय दिखाई दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर आयोजित पूजा में पारंपरिक मराठी टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वे एकदम मराठी मानुस लग रहे हैं। महाराष्ट्र में गणपति पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। गणेश चतुर्थी में महाराष्ट्र के घर घर में गणपति जी की पूरे विधि विधान से स्थापना की जाती है। सीजीआई चंद्रचूड़ भी क्योंकि मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, ऐसे में उनके यहाँ भी पारंपरिक तौर से गणपति पूजन किया जाता रहा है। ऐसे में अब की बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने आवास पर विशेष तौर से आमंत्रित किया, जिसके बाद पीएम मोदी उनके आवास पर आयोजित पूजा में शामिल हुए। हालांकि वो बात और है कि कुछ विपक्षी नेताओं को इस तरह से चीफ जस्टिस के आवास पर जाना नहीं भा रहा। कुछ नेताओं ने तो इस पर सवाल भी खड़े कर दिए, जबकि कुछ ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। आपको बताते चलें कि इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव बीजेपी गठबंधन के लिए अपनी साख को साबित करने का मौका होगा, क्योंकि पिछले चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां हुई और जिस तरह से महाआघाड़ी सरकार सत्ता से बाहर हुई, जिसके बाद बीजेपी गठबंधन ने सरकार का गठन किया था, उस तमाम उठापटक के बाद अब ये पहला विधानसभा चुनाव है जब बीजेपी गठबंधन सत्ता में लौटकर ये जता देना चाहेगी कि महाराष्ट्र की जनता के दिल में वही हैं। चर्चाएं हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद बीजेपी आलाकमान पूरे जोर शोर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रणनीतियां गांठने में लग जाएंगे। ये चुनाव उनके लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होगा। अब सीजीआई के आवास पर गणेश पूजन में पहुंचे पीएम मोदी के महाराष्ट्रीयन लुक को भी इन्हीं सबसे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि राजनीति और धार्मिक पर्व अपनी अपनी जगह हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।